स्कॉटलैंड शायद था, स्कॉटलैंड और शंघाई था। अभी शंघाई का एक रेस हुआ था, फर्स्ट पे था मैं, बट जैसे ही फिनिश लाइन आई गाड़ी चूक गई, मतलब पलट गई थी जंप से। अजीब ही बेकार सी गाड़ी है ये, पता नहीं, एक तो इतनी भारी हाथी जैसी गाड़ी है ये, ऊपर से बकवास एकदम। पता नहीं BMW वाली कार है एक, अगर वो मैक्स होती तो मज़ा आता। मैं मल्टीप्लेयर में वही यूज़ करता, बहुत सही गाड़ी है वो, बट क्या करें, वो 2 या 3 स्टार पे पड़ी होगी अभी। फ्री में खेलने के यही नतीजे होते हैं, पैसे दे के खेलने वालों की मैक्स हो ही होगी ऑलरेडी, क्योंकि वो लोग फिर खरीदते हैं पास मंथली। बस समझ नहीं आता भाई, कोई बंदा क्यों 900 रुपये लगाएगा हर महीने इस गेम के लिए, खास है नहीं इसमें। सेम चीज़ें रिपीट करनी रहती है, जब देखो भाई सेम रेस सेम चीज़, सब कुछ सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं है बार बार। मतलब मिशन भी ऐसा होता है ना कि तुम एक ही चीज़ को 4-5 बार खेलो, इट्स नॉट दैट गुड, इंसान पक जाता है सेम चीज़ बार बार देख के, मतलब बोरिंग हो जाता है एक टाइम के बाद, मज़ा नहीं आता। मेरे को तो ये गेम बोरिंग लगा था कुछ 8 महीने पहले, तो मैंने 8 महीने वीडियो ही नहीं डाली थी, ना खेला था गेम, अन इंस्टॉल किया था। अभी सिर्फ यूट्यूब के लिए मैं चला रहा हूँ गेम, वरना इंटरेस्ट तो मेरा नहीं है इसमें। मैं अभी बस BGMI खेल रहा हूँ, एपेक्स लेजेंड खेल रहा था, बट उसमें टीम अच्छी नहीं है मेरे पास, तो मैंने छोड़ दिया गेम, वरना वो भी अच्छा गेम है। शेडो फाइट 3 खेल रहा था बीच में, वो भी बोरिंग है, सेम चीज़ रिपीट करो तो मज़ा नहीं आ रहा, क्या करें। चलो शंघाई का ट्रैक मिला, 10-15 रेस एग्जिट करने के बाद मुझे शंघाई का ट्रैक मिला। अरे डैनियल भाई आओ, पड़ोसी पड़ोसी रेस करते हैं। कितने देर कार दिखाते हैं ये लोग, भाई चालू करो रेस। कार देख ली हमने, अच्छी खासी है, मेरी कार बेशक थोड़ी स्पीड है, बट अगर मैं नाइट्रो सप्लाई कट नहीं करता पीछे वालों की, तो मेरे लिए दिक्कत है ये, इसलिए मैं मोस्टली ड्रिफ्ट करता हूँ, ताकि उन्हें मिले नहीं। मतलब जो मेरे पीछे आ रहा है उसको तो एटलीस्ट नहीं मिलेगा, जो उसके पीछे आ रहा है ना उनको मिलेगा, क्योंकि मेरे पीछे वाला बंदा नाइट्रो यूज़ करेगा। यही वाला ट्रैक था जहाँ पर मैं पहले ही ठुका था, और मुझे लग रहा ये वाला दोबारा होगा, तो इस बार मैं पूरा ड्रिफ्ट करके निकल रहा हूँ ताकि ठुके ना गाड़ी। आगे फर्स्ट, ऐसे नाइट्रो सप्लाई बंद कर लिया करो पीछे वालों का, अगर आपको लगे कि उनके कार की रैंक आपसे नीचे है तो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है, ना वो लोग फिर आपके नेट्रो का फायदा, नाइट्रो का फायदा उठा के आगे निकल जाता। चलो स्कॉटलैंड का ट्रैक मिल गया वापस, इतना घिसना पड़ता है ट्रैक के लिए भाई साहब, हर एक ट्रैक के लिए मुझे 10-15 बार एग्जिट करना पड़ता तब जाके मिलता।
से जाऊंगा तो बहुत धीरे पहुंचूंगा। चलो नाइट्रो ना मिले इतना आगे चला जाता हूँ चुपचाप। अबे यार क्या बेकार है ये गाड़ी, उस तरफ जाना चाहिए था फेंस के, बट नहीं हम तो घास में चलेंगे। Thank you.